देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। नगर परिषद मंडी ने की विशेष सफाई अभियान की शुरुआत, प्रत्येक वार्ड में 2-2 दिन तक चलेगा अभियान। पटेल मैदान को बनाया जा रहा है समतल, खिलाड़ियों को खेलने के लिए मिलेगा साफ स्वच्छ मैदान। आंगन में टहल रहे लड़के को काटा सांप ने, परिजनों ने लड़के को तुरंत करवाया अस्पताल में दाखिल। और खेल मैदान की सुविधा न मिलने के कारण किन्नौर जिले की टीम नहीं ले रही खेलों में हिस्सा, केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ाएगी शोभा। मंडी नगर परिषद द्वारा शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की है। नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम शर्मा ने लोगों से आग्रह किया है कि अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा ना फेंकें और नगर परिषद के कर्मचारियों को ही कूड़ान दें, ताकि अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा बना रहे। नगर परिषद ने सफाई अभियान आज 19 तारीख से शुरू किया। ये सभी वार्ड में 2-2 दिन चलेगा। सभी पार्षदों की सहमति के साथ ये काम हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है और जो जो कमियां, जो जो समस्याएं वार्ड में हैं, उनका अवलोकन करना है। हम सारे पार्षद, सारे मतलब उपाध्यक्ष वगैरह सारे मिलके, सारा हमारा कर्मचारी जो भी हैं कमेटी के, और दूसरे जो हैं 2-2 आदमी हमने सबसे लिए, 40-50 आदमी को इकट्ठा करके हम सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं और जो भी लोगों की समस्याएं उनके बारे में पूछ रहे हैं और उनका हल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी कूड़ा कचरा, जो भी गार्बेज कलेक्शन नहीं देता, तो कृपया जो हमारे स्वीपर हैं, जो हमारे ठेकेदार हों, हमारे से शिकायत करें तो हम उनका उनसे बात करते हैं। और जो अगर सफाई कर्मचारी उनका कूड़ा नहीं ले जा रहे तो वो भी हमारे साथ शिकायत कर सकते हैं, उनके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और जो भी हमारा उद्देश्य यही है कि लोग बेचारे जो हमारे स्वीपर हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जब सारा शहर सोया होता है तो ये सफाई करते हैं, और जब इतनी सफाई करें और मान सम्मान इनको देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम स्वच्छता स्वच्छ मतलब हवा नहीं ले सकते। तो लोगों से मेरी ये अपील है कि जैसे ही आप उठते हैं आपको सारा साफ सुथरा माहौल दिखाई देता है, तो उसके ऊपर उनके किए हुए कार्य पर पानी ना फेरें, ना उनके कोई गंदगी डालें, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं सफाई हुई होती है उसके बाद कचरा सीधे फेंक देते हैं। तो उनसे मेरी ये अपील है कि आप लोग हमें सहयोग करिए। नगर परिषद नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये काम तो अकेले कर सकती है, लेकिन सफाई जो है आप उनके सहयोग के बिना नहीं हो सकती। तो शहरवासियों से मेरा यही निवेदन है, कृपया हमारी सहायता करिए, हमारा सहयोग दीजिए और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करिए। वहीं नगर परिषद द्वारा शुरू किया गया विशेष सफाई अभियान की शुरुआत 19 अप्रैल को वार्ड नंबर 1 से की गई। नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम शर्मा ने जानकारी दी है कि यह विशेष सफाई अभियान नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड में 2-2 दिन तक चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने विशेष सफाई अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए निर्धारित की गई तारीखों की भी जानकारी प्रदान की। 19 तारीख से आज शुरू है और 27 मई तक चलेगा, और वार्ड वाइज जैसे आज खलियार वार्ड का था, नंबर 1 वार्ड का था, 19-20 को ये होगा। इसके बाद वार्ड नंबर 13 का है 21-22 को, वार्ड नंबर 2 पुरानी मंडी का 23 और 26 को, 24-25 को छुट्टी है, वार्ड नंबर 12 रामनगर 27 और 28 को, वार्ड नंबर 3 पैलेस कॉलोनी 29-30 को, वार्ड नंबर 11 धनेड़ा मल्ला 3 और 4 को, वार्ड नंबर लोअर सूड़ा 5 और 6 तारीख को, और इसके साथ ही वार्ड नंबर 10 लोअर भगवान 7 और 10 तारीख को, वार्ड नंबर 5 पैलेस कॉलोनी 11 और 12 को, वार्ड नंबर 9 अपर भगवान 17 और 18 मई को, वार्ड नंबर 6 लोअर समखेतर 19-20 को, वार्ड नंबर 8 दरमियाना 24 और 25 को, और वार्ड नंबर 7 अपर समखेतर 26 और 27 को। ये सारे हमने चॉकआउट किया है, और इस सारे जो भी है हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, सफाई के प्रति जागरूक करना है, और जब भी हमें टाइम लगेगा आगे भी हम सफाई से जुड़े रहेंगे।
21 जनवरी को सराज युवा कांग्रेस मंडल की बैठक बाली चौकी में आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए सराज युवा कांग्रेस मंडल के उपाध्यक्ष वीर भारद्वाज ने बताया कि बैठक के दौरान कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर भी बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। हमारी युवा कांग्रेस की बैठक 21 तारीख को बाली चौकी सामुदायिक भवन में होगी। उस बैठक में हम कांग्रेस पार्टी की युवा कांग्रेस को जो मजबूत करने की बात करेंगे, प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की बात करेंगे और एक जो मिशन 2017 का जो एजेंडा है उसमें भी युवा कांग्रेस के लोग जो हम वहां चर्चा करेंगे। राज्य क्षेत्र में जो है मिल फेडरेशन के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर जी काम कर रहे हैं। हम युवा कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हाईकमान से कि 2017 में जो है चेतराम ठाकुर को टिकट दें और सातवीं बार जो अभी की हिमाचल सरकार में जो अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जो है वीरभद्र सिंह जो उसमें मुख्यमंत्री बनेगी। इस मीटिंग का आदेश हमको जो है प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह जी के आदेशानुसार करवाई गई है, जिसमें जो है हमारे अध्यक्ष महोदय जी जो है वो बीमार हैं और उन्हें जो मुझे इस मीटिंग में जो है जाने के लिए कहा और ये मीटिंग मेरी अध्यक्षता में बाली चौकी में 21 तारीख को होगी। मंडी में किसान बचाओ अभियान का संयोजक देशराज शर्मा के नेतृत्व में एक सांकेतिक आंदोलन शुरू किया गया। देशराज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करना एक शर्मनाक घटना है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को एक मांग पत्र भी भेजा है। जिस तरह से 40,000 करोड़ कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ब्याज लेने पर मजबूर हुई है और पिछले 50 वर्षों के दौरान जो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल को कर्ज की दलदल में धकेल करके जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कह कि जो हिमाचल की बदहाली की रिपोर्ट पढ़ी, उसके बाद विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 विधेयक जो पेश किए, कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने उनको मेजे थपथपा करके उनका अनुमोदन किया। ये एक शर्मनाक घटना थी और विधायकों और मंत्रियों ने जिस तरह से 2.5 लाख रुपये प्रति माह अपने वेतन भत्ते और पेंशन कर लिए, 95,000 रुपये जिस तरह से सत्कार भत्ता कर लिया और नाते पोतियों तक जो सुविधाएँ आप वहाँ विधानसभा में कर दी, ये एक बड़ी शर्मनाक घटना थी। इसके खिलाफ आज यहाँ किसान बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक सत्याग्रह रखा है। हमारी मांग है कि ये वेतन और भत्ते तुरंत वापस लिए जाएं और ऊर्जा राज्य हिमाचल के लोगों को जो बिजली पानी और सीवरेज के जो बढ़े हुए बिल हैं उनको वापस लेकर के हिमाचल के लोगों को निःशुल्क बिजली पानी और सीवरेज की सुविधा दी जाए। अगर सरकार इन वेतन भत्तों को वापस ना ले पाई तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे और नंगे पांव व्यवस्था परिवर्तन यात्रा गांव-गांव में करके युवाओं और किसानों को जगाएंगे। और आज मैंने भी यहाँ संकल्प लिया है कि मैं मंडी नगर से बाहर इन विधायकों और मंत्रियों को सबक सिखाने के लिए मंडी नगर के बाहर किसी किसान की कुटिया में हम रहेंगे और हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सादगीपूर्ण जीवन बिताएंगे। विधायकों और मंत्रियों के वेतन वापसी के लिए को लेकर के हमने मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को या जिलाधीश मंडी के माध्यम से आज ज्ञापन प्रेषित किया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, AIPMT, NDA एंड PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2016। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी, एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2016-17। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैश। सचदेवा कॉलेज पडल, नियर पुलिस थाना मंडी।
दो दिन पहले कन्या विद्यालय मंडी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। वहीं 20 अप्रैल को स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। दो दिन पहले गर्ल्स स्कूल में अम्बेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन करवाए गए। तो उस दिन में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बच्चे आए इन कंपटीशन में, उनको आज गर्ल्स स्कूल में इनाम बांटा गया। मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का यही है कि बच्चों को अवेयर करना है। जितने हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, हम बच्चों को यही कहते हैं कि उनकी जीवनियों को पढ़ो और उनको देखो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैसे वो आगे बढ़े हुए हैं। क्योंकि उनकी उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उनको उनके जीवनियों को पढ़ते हुए बच्चे प्रेरित होते हैं। तो यही है कि महापुरुषों की अगर जीवनी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। तो वैसे हमारे स्कूल में इस उपलक्ष्य पे इवेंट हुआ था, एक कंपटीशन हुआ था। इसमें तीन तरह के कॉम्पिटिशन थे, स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन, ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन एंड डेक्लामेशन कॉम्पिटिशन, जिसमें मैंने डेक्लामेशन कॉम्पिटिशन में 3rd प्राइज़ लिया है और स्लोगन कॉम्पिटिशन में 2nd प्राइज़ लिया है। और जो मेरा जो इसमें अनुभव था वो बहुत ही ग्रेट था, क्योंकि मैं जो जब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जब मैं स्पीच बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें एक ऑनर दे रही हूँ, और आई फील लाइक कि मैं उनके साथ एक मेरा भी कंपैरिजन हो रहा है। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने ये जो इवेंट करवाया था उसमें हम सभी को बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेस भी मिले हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी मुझे प्राइजेस भी मिले और मैंने इतनी अच्छी स्टेज प्राप्त। और मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पे प्रकाश डाला और मैं इस पे और मेरी इस पे स्पीच थी और मेरा इसमें प्रथम स्थान रहा। हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मेरे जीवन का लक्ष्य एक डॉक्टर बनना है और मैं अपनी शिक्षा के आधार पर एक योग्य डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह बहुत ही महान व्यक्ति बनना चाहती हूँ। राजधानी शिमला में सभी स्ट्रीट लाइटें 3 महीने के भीतर LED में बदल दी जाएंगी। नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता निगम मेयर संजय चौहान ने की। मेयर ने बताया कि शहर के सभी करीब 8000 स्ट्रीट लाइटों को LED में बदलने का निर्णय लिया गया है। राजधानी शिमला में सभी स्ट्रीट लाइटें 3 माह के भीतर LED में बदल दी जाएंगी। सभी वार्डों में परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर अब LED स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। दिल्ली की कंपनी को स्ट्रीट लाइटों को LED में बदलने का काम सौंपा गया है। LED स्ट्रीट लाइट लगाने के अलावा मेंटेनेंस का जिम्मा भी कंपनी का ही रहेगा। यह स्ट्रीट लाइटें न सिर्फ लंबे समय तक चलेंगी बल्कि इनसे बिजली की खपत में भी कमी आएगी। मौजूदा समय में नगर निगम को स्ट्रीट लाइटों के बिजली बिल के रूप में लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण शहर के लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। एक बार स्ट्रीट लाइटें खराब होने के बाद महीनों तक मरम्मत नहीं हो पाती। नगर निगम का दावा है कि LED स्ट्रीट लाइटें लगने के बाद लोगों की इन परेशानियों का स्थायी समाधान हो जाएगा। नगर निगम ट्रायल के तौर पर माल रोड पर LED स्ट्रीट लाइटें लगा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शहर की खस्ता सड़कों पर अब गाड़ियां हिचकोले खाते हुए नहीं चलेगी। नगर निगम शिमला ने शहर की सभी सड़कों की टायरिंग मेटलिंग करने का फैसला लिया है। मंगलवार को नगर निगम की वित्त संविदा योजना समिति की बैठक में 2 महीने के भीतर शहर की सभी सड़कों को पक्का करवाने का निर्णय लिया गया है। निगम मेयर संजय चौहान ने बताया कि सड़कों की टायरिंग मेटलिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले हफ्ते से काम शुरू कर दिया जाएगा।
मौजूदा समय में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति के कारण शहर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की टायरिंग मेटलिंग के लिए मौसम अनुकूल हो गया है, इसलिए काम शुरू करने की तैयारी है। शहर में पानी की किल्लत के मद्देनजर टैंकरों से पानी की सुचारू सप्लाई करने के लिए नगर निगम 2 नए वाटर टैंक खरीदेगा। मंगलवार को हुई FCPC की बैठक में नए टैंकर खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मौजूदा समय में नगर निगम के पास पानी के 2 टैंकर हैं। जल संकट के समय शहर के 25 वार्डों में पानी की सप्लाई 2 टैंकरों से नहीं हो पाती। अस्पतालों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी नगर निगम टैंकर से ही पानी की सप्लाई देता है। नगर निगम के मौजूदा टैंकर पुराने हो चुके हैं, इसलिए नगर निगम ने नए टैंकर लेने का निर्णय लिया है। नगर निगम ने शहर के लिए एक छोटी JCB मशीन खरीदने का भी फैसला लिया है। सर्दी में शहर की तंग सड़कों से बर्फ हटाने और छोटे मरम्मत कार्यों के दौरान रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा समय में नगर निगम के पास एक रोबोट है। जहां बड़ी JCB मशीनें इस्तेमाल नहीं हो पाती हैं, वहां नगर निगम रोबोट का इस्तेमाल करता है। नगर निगम से मान्यता प्राप्त प्लम्बरों के रेट नए सिरे से तय कर दिए गए हैं। पिछले लंबे समय से नगर निगम ने प्लम्बरों के रेट निर्धारित नहीं किए थे। नए रेटों में की गई बढ़ोतरी के प्रस्ताव को नगर निगम के इस माह होने वाले हाउस में लाया जाएगा। हाउस की अनुमति के बाद नए रेट लागू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। सुखमनी साहेब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमे जुगाद सतगुर नमे। शिवरात्रि मेले के बाद पड़े मैदान की हालत पूरी तरह खस्ता हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा मैदान को समतल करवाने का कार्य शुरू हो चुका है, ताकि पड़े मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों को एक अच्छा मैदान उपलब्ध हो सके। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने बताया कि मेले के बाद पड़े मैदान की हालत में सुधार लाना जरूरी था, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग द्वारा पड़े मैदान में पड़े गड्ढों को भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग को हर वर्ष मैदान के सही रख रखाव के लिए बजट का प्रावधान किया जाता है। मेले के बाद जैसे ग्राउंड की स्थिति खराब हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको ठीक करने का कार्य जो है PWD के माध्यम से शुरू किया गया है। इसमें PWD द्वारा लेबलिंग की जा रही है तथा जो गड्ढे और नालियां बनी हुई हैं उनको भरने का कार्य जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ ही जो है ये क्योंकि युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा भी 1,30,00,000 रुपए जो आवंटित किए गए हैं पड्डल मैदान को नया रूप देने के लिए, तो इसको हम जैसे कि उपायुक्त महोदय से इस बारे विचार विमर्श हुआ था तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाया जाए अभी,
अभी सिर्फ खिलाड़ियों को खेलने के लिए जो है वो इसको लेबल कर दिया जाए, बाकी बारीकी तौर पे इसको PWD जब इसका काम करेगी तो उस टाइम पे ये पूरा पड्डल जो है इसको एक नया रूप दिया जाएगा, पूरे ग्राउंड को उखाड़ दिया जाएगा और उसमें जो है वो फिर नए तरह की मिट्टी और उसको लेबल और ड्रेनेज इस तरह के जो भी कार्य उसमें एस्टिमेट में होंगे वो पूरे किए जाएंगे। अभी हम प्रारंभिक तौर पे जो है वो ग्राउंड को खिलाड़ियों को खेलने के काबिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मतलब उनको जो है वो ठीक ग्राउंड प्राप्त हो सके। इसमें छोटा जो पड्डल है उसको भी लेबल किया जा रहा है PWD के JCV और रोलर के माध्यम से और नीचे वाला ग्राउंड है उसको भी इसी तरह से जो है वो ठीक कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पड्डल मैदान में गड्ढों में बारिश का पानी और गंदगी भरी हुई थी जिससे मक्खी मच्छर फैल रहे थे और उनके कारण कोई गंभीर बीमारी फैलने की आशंका थी। वहीं खिलाड़ियों को एक साफ स्वच्छ मैदान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पड़ल मैदान में आयोजित 26वीं ITI स्टेट स्पोर्ट्स मीट 2016 में एक ऐसी टीम भी शामिल है जो कि केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही हिस्सा ले रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किन्नौर जिला के ITI रिकॉम्पियो की आई हुई 16 सदस्यीय टीम की। जानकारी के अनुसार ITI रिकॉम्पियो में उपलब्ध मैदान में भवन का निर्माण कार्य चला हुआ है जिसके कारण महिला खिलाड़ियों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध नहीं हो सका। वहीं 26वीं ITI स्टेट स्पोर्ट्स मीट 2016 में प्रतिभागी केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही हिस्सा ले रहे हैं। कल्चर एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ग्राउंड एंगेज्ड है क्योंकि प्रोफेशनल वर्क चला हुआ है जिसके कारण बच्चों को जो प्रॉपर टाइम है ना ही हमारे पास कोई चीज़ है ताकि इनको जो प्रॉपर तैयारी करा पाए, ना ही बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि ये अभी स्पोर्ट्स मीट में जो हिस्सा लेने आए हैं वो बिल्कुल इससे जो है अवगत नहीं है। अब तैयारी कराने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर कोचिज नहीं जिसके कारण खाली कल्चर एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व। और हमारे हम खेलना जरूर चाहते थे पर हमारे ग्राउंड में काम चल रहा है, बिल्डिंग बिल्डिंग बन रहे तो इस कारण हम खेल नहीं पाए। हम किन्नौरी डांस में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें गीत सॉन्ग भी है और नाटक भी है, एकल सॉन्ग किन्नौरी नाटक और किन्नौरी नाटक। हम यहाँ पे गेम्स में नहीं भाग ले पाए और हम यहाँ किन्नौरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले लिया है ना, तो उसमें जैसे किन्नौरी का जो किन्नौरी कल्चर जो भी होता है पुराने का कल्चर नाटी या डांस वगैरह सब कुछ है वो लेके हम यहाँ पे पार्टिसिपेट होने के लिए आए हैं। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नगर परिषद मंडी ने की विशेष सफाई अभियान की शुरुआत। प्रत्येक वार्ड में 2-2 दिन तक चलेगा अभियान। पड़ल मैदान को बनाया जा रहा है समतल। खिलाड़ियों को खेलने के लिए मिलेगा साफ स्वच्छ मैदान। आंगन में टहल रहे लड़के को काटा सांप ने। परिजनों ने लड़के को तुरंत करवाया अस्पताल में दाखिल। और खेल मैदान की सुविधा न मिलने के कारण किन्नौर जिले की टीम नहीं ले रही खेलों में हिस्सा, केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ाएगी शोभा।